मुझे प्राण भरता तुम्ही काल के काल हो चक्रधारी स्वीकारो स्वयं बंधना अब हमारे जाओ बेटा ये नरियर और फूल चौकट पे रख देना और भगवान को हाथ जोड़ना। जाओ जाओ। देखो अंदर मत जाना। क्यों? इसलिए कि हम अछूत हैं। अछूत का है माँ? जैसे हम हैं, हमारी छाया किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। ऊंची जाति के लोगों से हमेशा दूर रहकर बातें करनी चाहिए। मंदिर में नहीं आना चाहिए, भगवान को नहीं छूना चाहिए। हमारे छूने से भगवान नाराज हो जाएंगे। हाँ बेटा जा, जल्दी से फूल नारियल चढ़ा के आ। तुम तो जानते हो अंतर्यामी, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा बेटा 5 साल का हो जाने के बाद उसके हाथों तुम्हें फूल नारियल चढ़ाऊंगी। मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में है, उसकी रक्षा करना प्रभु। तुम तो बहुत अच्छे हो भगवान, तुमने अपने पास आना चाहे रुको नहीं।
कुमारी, जय अंदर तो नहीं चला गया? मैं कहती थी मंदिर के अंदर मत जाना, भगवान नाराज हो गए। तुम तो खुश होते भगवान। जय मंदिर से बाहर आ जा, कोई देख लेगा। तू तो डर रही हो माँ, भगवान खुश हो रहे हैं। आ जाना अंदर, आ जाना, मैं कहता अंदर आ जाना। कौन है ये? ये तो रघु की घरवाली है मालिक, ये अछूत है अछूत। राधे श्याम राधे श्याम, कल मुही ने सारे मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। इसकी ये हिम्मत कि मंदिर के अंदर चली आई? राधा बल्लभ का मुकुट चुराने आई होगी। नहीं मालिक नहीं, मैं भगवान को फूल नारियल चढ़ाने आई थी, ये नादान फूल से मंदिर में चला गया। फूल से मंदिर में चला गया, इस दुष्ट के अभी से लक्षण, तो आगे चलकर क्या करेगा? आगे चलकर ये पापियों का उद्धार करेगा। आत्मानंद, तुमने इसे क्यों बचाया? मेरी नजरों में ये भी एक इंसान है, क्या अपराध किया इस निर्दोष बालक ने? ये दुष्ट अछूत है, इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। शबरी के जूठे बैर खाने से भगवान राम तो अपवित्र नहीं हुए थे, फिर इसके यहाँ आने से मंदिर कैसे अपवित्र हो सकता है? वो भगवान है, हम इंसान हैं। आत्मानंद, तुमने संसार का त्याग किया था कुछ पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो भी गवा बैठे। जिसे तुम गवाना कहते हो उसे मैं पाना समझता हूँ। गवाया तो तुम लोगों ने प्यार को, दया को, भाईचारे को। 100 घर की भिक्षा खाने से तुम्हारी मति मारी गई है आत्मानंद, इसलिए तुम नीचों का पक्ष ले रहे हो। मैं नीचों का नहीं, मनुष्यता का पक्ष ले रहा हूँ पुजारी जी। नीच धर्म से नहीं कर्म से होता है। आत्मानंद, भगवान के बनाए हुए सिद्धांतों को तुम झूठा नहीं कर सकते, उसी ने ऊंच और नीच बनाए हैं। ये भगवान के नहीं, तुम लोगों के बनाए हुए झूठे सिद्धांत। याद रखो, इनकी और तुम्हारी रगों में एक जैसा खून है। खून की बूंदों में से कौन सी ऊंची जात का है और कौन सी नीची जात का है, ये कोई नहीं बता सकता। बल्कि दूध और पानी की तरह अलग करके दिखाया जा सकता है। उसके लिए हंसों का गुड़ चाहिए, तुम्हारे जैसे कौवे की कांव कांव नहीं। समझे? समझा, परंतु जो मैंने समझा है वो आप लोग नहीं समझ रहे। जो आप लोग नहीं समझ रहे, समय उसे एक दिन अवश्य समझाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा और अवश्य आएगा, अगर संत ज्ञानेश्वर भैंसे के मुंह से वेद बुलवा सकते हैं तो मैं भी इस बालक को वेद पढ़ाऊंगा। आओ बालक, वेद पढ़ाऊंगा। जात पात पूछे ना कोई, क्यों पंडित जी? हरि को भजे सो हरि। सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है। अंबर से पानी बरसाता, पत्थर में जो फूल खिलाता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है। माला घुमाने से वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। खोपड़ियों में फूल वो खिलता, फूल वो खिलता। कोई गरीब के आंसू में मिलता,
वो ही पिता है, वो ही माता, वो ही सबका भाग्य विधाता, ऐसा सर्जनहारा सबका प्यारा कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है। एक है राजा एक भिखारी, क्यों एक भिखारी, एक अछूत और एक पुजारी, क्यों एक पुजारी, ये भेद पापी हमने बनाया है, हमने बनाया, वो तो सभी के है तन में समाया, मन में समाया, सबको एक प्यार से सींचा, कोई ऊंच न कोई नीचा, ऐसा एक समान समझने वाला कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है, राधे श्याम है, घन श्याम है, राधे श्याम है, घन श्याम है। वाह छोटे ठाकुर वाह, जी चाहता है तुम पर फूलों की बरसात कर दूं। हाय हाय, फूलों के बदले जूते बरसाता है उल्लू का पट्टा, अबे ठहर तो। आपको देखा पिताजी, मेरा सी की औलाद, अच्छा ठाकुर की औलाद, चले घर को कोठा बना रखा, जब देखो गाना बजाना, जब देखो गाना बजाना। पिताजी दूसरों को कोड़े मार मार कर रुलाने से गाना बजाना कहीं अच्छा है। अरे मूर्ख, हम राज करने के लिए पैदा हुए। अच्छा, जरा एक बार तलवार हाथ में उठा, फिर देख दुनिया तेरे सामने कैसे झुकती। आप नहीं जानते पिताजी, मृदंग पर जब बाएं हाथ की थाप पड़ती है तो सारा संसार झूमता हुआ दिखाई देता है, बड़ा घोर आनंद आता है, घोर आनंद। आप जरा एक बार क्रिकेट धा बजा के देखिए। चूल्हे में जला दो इस मृदंग को, फिर से मैं इसकी शक्ल न देखूं। पिताजी इसी ने बजाने को कहा था। हाय राम, मैंने कहा था पिताजी, रात भर ये उछल उछल का तांडव नृत्य करते रहे, एक चारपाई भी तोड़ डाले। पिताजी आप मुझे मेरे मेके भिजवा दीजिए। क्यों झूठ झूठ के टिस्वे बहा रही है भागवान? चुप बहू, आंसू पोछ डालो, पोछ डालो आंसू बहू, मैं इसे भी ठीक करता हूँ। अबे गधे, उसके बाप ने 5 गांव दहेज में दिए थे, अगर वो चली गई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया, 15 गांव और है, वो भी हमारे हो जाएंगे, फुसला कर रखना। रखता तो हूं। अरे अपना सर रखता है, सुन चला कहां? याद रख, दोबारा कभी तुझे मृदंग बजाते हुए या उसके आंखों में आंसू बहते हुए देखा तो फटे जूतों से मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगा। जा उसे क्षमा मांग। चल। Oh my God!
मेरा क्या हाल होता, बड़े खराब लोग रहते हैं गांव में। कुछ अच्छे भी रहते हैं। आपकी तरह मैं आप कौन हैं? मैं अनाथ हूँ, अपने मामा के पास रहने के लिए आई। कौन है आपके मामा? कल्लू। कल्लू? क्यों? आप चौंक क्यों गए? ऐसे ही, मुझे खुशी है कि हमारी तुम्हारी जात एक है। आपका नाम क्या है? जयनाथ। और तुम्हारा? मेरा रूपा। रूपा? हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, बड़ी देर हो गई है। सुनो मैं पहुंचा दूं? नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर किसी बदमाश ने पीछा किया तो मैं आपको पुकारूंगी। गधे का गधा ही रहा, हाथ में आया हुआ शिकार जाने दिया। शिकार तो मेरी मुट्ठी में था मालिक, परंतु जयनाथ का बच्चा ना जाने बाज बनकर कहां से चटपट पड़ा। बकवास, कायरता की हद है। मेरे मन की प्यास जल्द से जल्द बुझनी चाहिए। रास्ते में कोई भी चट्टान पड़े उखाड़ कर फेंक दो, और जयनाथ का बच्चा कभी भी उसके साथ दिखाई दे तो उसे जिंदा गाड़ दो। नव यौवना नवकामिनी पुसे मधुयामिनी ये दिन में पीकर चले आए रहे हो? अरे मुर्गा, पिया कहाँ है? ये तो इसकी खुशबू से आंखें लाल हो गई हैं। ऊपर से झूठ बोलते हो, जन्म से तो नीच पैदा हुए हो, पर कर्म तो अच्छा कर सकते हो। करूंगा कर्म। तू मुझे पंडित महाराज बनकर कथा मत सुनाया कर। ससुरी जब बोलेगी तो पंडितायन बनकर, मेरे बीच में ना बोला कर समझी? जरूर बोलूंगी। मरी बहन की जवान लड़की को घर में लाके रखा है, दो चार धेले इकट्ठे हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देंगे। हाथ पीले कर देगी, बस घर लुटाकर तमाशा देखने की बात करेगी। अरे वो तो लक्ष्मी है लक्ष्मी, जाएगी तो दो चार देकर ही जाएगी। सूरत देखकर कोई भी 10-5 सौ मोहरे तो दे ही जाएगा, समझी? बिन माँ की लड़की का व्यापार करने चले हो, धिक्कार है तुम पे। मैं तो उसका ब्याह जाति के सबसे बुद्धिमान लड़के से करूंगी। हाँ, कौन है वो बुद्धिमान का बच्चा? जिनात। तब सांप के सपोरे को दूध पिलाने से पहले ही सर कुचल दूंगा। वो मेरे दुश्मन की औलाद है। जयनात का नाम फिर तेरी जबान पर कभी ना आए। लेकिन मामा वो तो बड़े अच्छे आदमी है। खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। नहीं मामा,
मैं किसी की कही सुनी नहीं, आप भी की बता रही हूँ। सचमुच वो बहुत अच्छे आदमी हैं। देखो ना, आज मेरी लाज लूटने के लिए एक लुटेरा मुझ पर टूट पड़ा, और भगवान का बहुत शुक्र है जयनाथ जी कि वहाँ आ पहुँचे, और उन्होंने उस लुटेरा को मार मार के भगा दिया। हाँ मामा। अरे ये भी उसी नीच की चाल होगी, किसी को छेड़ने के लिए भेजा होगा, खुद आकर बचा लिया, पर रंग जमाने के लिए किया होगा ये सब। भला वो मुझ पर किस लिए रंग जमाएंगे? जब गंगा मैया का जल शांत हो तो झुक कर अपनी सूरत देख ले, तुझे उत्तर मिल जाएगा। अब कभी नजर पड़े तो थोक कर आगे बढ़ जाना। वो देखिए मालिक, भाइयों, शमशान के रास्ते में अभी और भी बहुत से भूत जिन्न मिलेंगे, हिम्मत न हारना, पांव जमाए रखना, समझे? राम नाम। ये किसकी अर्थी है? पूछते हैं किसकी अर्थी है? ये मेरे संगीत की अर्थी है जिसकी हत्या आपने आज प्रातः काल की है। मैं इसकी समाधि बनाने जा रहा हूँ। जरा गहरा खोद के गाना बेटा, ताकि मिरासियों की निशानी ठाकुर के खून तक वापस न लौटे, और अगर वापस आई तो जहाँ पर इसकी समाधि है वहीं पर तेरी। हे एक दिन डोली उठी धरती, चाहूं और क्यों पाप के बादल छाए, राक्षस कंस करे विध्वंस, सभी नर नारी पे जुल्म डहाए। हे देख के जुल्म ये डोली दिशाएं, और गूंजी उठी आकाश की वाणी, पुण्य और पाप में युद्ध हुआ, हमें तुमको सुनानी है कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी। हे जब तक खड़ा हिमालय है, जमुना में पानी है, भारत के भगवान कृष्ण की अमर कहानी है, भारत के भगवान कृष्ण की अमर कहानी है। है बड़ी पुरानी बात, भाद्रपद रात्रि बरसात, सो रहे थे सब संसारी, बंदी ग्रह जन में अवतारी, कृष्ण की लीला है न्यारी। फिर हुआ शोर घनघोर, जग में शोर लगा के जोर, मान बिजली के जब छूटे, बंदी घर के ताले टूटे। ललना तो करिया का पल नालो, सर पे उठाए वसुदेव चले, चढ़ता है पल पल जमुना जी का जल, तूफान में नन्हा लाल पले। बढ़ने लगे जो आगे, बढ़ते ही डूबन लागे, दर्शन को नदिया उभर गई रे। लाल ने नन्हे नन्हे पांव निकाले, सो छूते ही जमुना भर गई रे, भर गई। चरणों को छू कर जमुना का पावन पानी है, भारत के भगवान कृष्ण है। हे लाल ने देखो कमाल की ओ, एक दिन उसके मन में क्या आई, आन के चुपके मैया से छुपके, अंगना में बैठ के माटी खाई,
मैया जशोदा लाल भई और लाल को क्रोध की बात सुनाई। मैया जशोदा लाल भई और लाल को क्रोध की बात सुनाई। मेरे अगाड़ी तू डोल नहीं मुंह खोल रे काना तू माटी खाई। मैंने ही माटी खाई री मैया मैंने ही माटी खाई। अरे तू ही तो माटी खाई कन्हैया तू ही तो माटी खाई। मैंने ही माटी खाई री मैया मैंने ही माटी खाई। अरे खोल रे मुख अपना जब मैया कन्हैया पे जोर जतायो। कृष्ण ने खोला जो मुख अपना कृष्ण ने खोला जो मुख अपना तो जशोदा को ब्रह्मांड दिखायो। जशोदा को ब्रह्मांड दिखायो। हे बाल कृष्ण की लीला ये किससे अनजानी है। भारत के भगवान कृष्ण की अमर कहानी है। अरे चलो रे भाई चलो। ये गेंद हवा में लगी उड़ने जब होड़ लगी दोनों के दल में। सोटी पे सोटी और चोटी पे चोटी लंगोटी में मनसुख गर्जा पल में। मार दे सोटी अरे मार दे सोटी ये गेंद है छोटी रे आती नहीं क्या ये बात अकल में। सुन के कन्हैये ने मारा सपाटा सो गेंद गिरी जमुना के जल में। बालक लौट जा घर को। कालिया दुष्ट था दुखिया रा था गाँव। नाथ ने फन को नाथ कर सर पर राखे पाँव। बोलो भाई कालीनाथ की जय। घनन घनन घन गरज उठे धरती डगमग अंबर डोले। भूकंप प्रलय का मुंह खोले। चाल चाल बाहें विशाल विकराल वेश। मथुरा नरेश यादव कुल का मैं अमर अंश हूँ। अरे कौन बाल मेरा बंत काल मैं महाकाल हूँ। क्रूर कंस हूँ क्रूर कंस हूँ। सावधान कंस सावधान गूंजती धरा गरज रहा है आसमान। से क्या मुकाबला तू नन्ना बाल है। दुष्टों का विनाश हो ये है मेरा विधान। सावधान सावधान सावधान। कंस को मार गिराया पल में कथा पुरानी है। भारत के भगवान कृष्ण की अमर कहानी है। भारत के भगवान कृष्ण की अमर कहानी है। वाह वाह वाह। अरे भैया पुरखों ने सच्ची कही है कि गुदड़ी में ही लाल हुए हैं। अरे मटरू बेटे कीचड़ में कमल खिले हैं। क्या कहिए वाह वाह के नाथ वाह। अरे भैया तूने तो ऐसा भजन गाया कि साक्षात दर्शन हो गए भगवान के। आ मेरे गले से लग जा। अरे उठना जुलमी थोड़ा प्रसाद देना। आप हमारा प्रसाद खाएंगे? अरे बावले ये मेरा तेरा प्रसाद नहीं है ये तो परमपिता परमेश्वर का प्रसाद है। आने दे तो चार दाने और आने दे। कोई बात नहीं। अरे भाई नालायक पिताजी। ये छूत का प्रसाद है।
पिताजी अछूत का नहीं भगवान का प्रसाद है, भगवान से क्षमा मांगिए। भगवान जी मेरे पिताजी हैं, शुद्ध घी खाते हैं ना, जबान पिसल जाती है, इनको क्षमा कर देना। कर दिया ना पिताजी, क्षमा कर दिया। अरे क्षमा के बच्चे। बड़े ठाकुर इन्हें हाथ मत लगाइए, ये अपवित्र हो चुके हैं। मैंने इतना तो प्रसाद खा लिया तो आप मेरी शुद्धि करा रहे हैं, और आप जो दोनों समय दोनों हाथों से प्रसाद पाते वो। चुप रह, आप जबान चलाई तो काट कर फेंक दूंगा। ऐसी संतान से तो बिना संतान होना अच्छा था। और तू, तेरा ये साहस, किसे गले लगाए प्रसाद खिलाए? भगवान का प्रसाद तो हर मांगने वाले को मिलता है, और गले छोटे ठाकुर अपनी इच्छा से मिले। लेकिन तूने इसे यहाँ बिठाया क्यों? कीर्तन में भाग लेने वाले हर मनुष्य को बराबर का अधिकार है, किसी आने वाले को बिठाने और उठाने का अधिकार मुझे कैसे हो सकता? चुप रह, तेरा ये संत पर यहाँ नहीं चलेगा। मैं इस गाँव का मालिक हूँ, मैं इस गाँव का ठाकुर हूँ, मैं इस गाँव का भगवान हूँ। मैं तुम्हें बना सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। आत्मानंद तुम लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया है। और देख, कान खोल कर सुन ले, अगर ये फिर इस बस्ती में दिखाई पड़ा तेरे सारे खानदान को जला कर राख कर दूंगा, समझा? तू क्या देखता है? चल क्या सुधी कर, चल क्या सुधी। तुम यहाँ कैसे आ गए? जैसे तुम्हारे छोटे ठाकुर आ गए। तुम्हारी सुरेली आवाज का जादू सबको अपनी ओर खींच लेता है। मामा से पूछा था? भगवान का सामना हो तो इंसान से कोई नहीं पूछता। बड़ी निडर हो गई हो। अगर भगवान दिले बस जाए तो किसी से डर नहीं लगता। ला प्रसाद ला, जल्दी करो। बप्पा रे बप्पा, ए चोपड़ी। मैया रे मैया, ये भगवान का प्रसाद है, कहीं नीचे गिर गया तो दीप फुदा ही ना दिया। हाँ। ये लीजिए। अपराधी कहाँ है ठाकुर? अभी तो यही था। शुद्धि का समय हो गया है, जल्दी बुलाइए सपूत को। सपूत नहीं, कपूत कहिए पंडित जी, कपूत। उस गधे ने तो मेरी नाक कटवा दी, अभी लाता हूँ शुद्धि के लिए। शुद्धि का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा प्रभु। बहुत सारे अशुद्ध इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी आत्मा पे एक साथ झाड़ू फिरा दीजिए। ओम शुद्धं शुद्धं। पिताजी, पिताजी नहीं, मैं। कौन तुम? मैं तो बहुत घबरा गया। जल्दी से खाना खा लो, कहीं सुसर जी ने देख लिया तो गोबर खाना पड़ेगा। गोबर फिर गोबर। सखी ऐसी बातें मुख से ना निकाला करो, कभी कभी सख्ती हो जाती है। जल्दी से खाना खा, मैं पानी लेकर आती। अच्छा सुन तो, क्या है? पानी घड़े का लाना। मैं कहता हूँ क्या? पिताजी मैं अकेला क्या क्या खा सकता हूँ? मैं इधर शुरू हो जाता हूँ, आप मेहमानों को ले जाकर उधर दे बट लीजिए। उल्टी सीधी बातें करेगा तो खाओ फेर लूंगा। किसने दिया था तुझे हलवा पूरी? ये पिताजी मेनका ने दिया। मैंने नहीं, तुमने कहा था कि पिताजी ने कहा है जाकर हलवा पूरी खा लो, शुद्धि हो जाएगी। पिताजी चलने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछ। पेड़ की पत्ती पीली कब पड़ने लगती है बताइए? जब जड़ को खाद कम मिलती। धन्य हो पिताजी, धन्य हो। तो फिर मेरी जड़ तो आप हैं, आपको खाद मिल जाएगी तो मैं अपने आप खड़ा हो जाऊं। बकवास बंद कर, कर दी। लो पंडित जी, संभालो इस गड्ढे को, ऐसी शुद्धि करो कि फिर अशुद्ध होने का नाम न ले। एक तक तक तक। हाँ शुरू कीजिए। बाप रे, इतना सारा तो क्या मेरे साथ साथ आप सबकी शुद्धि भी होने वाली है? अपवित्र आप हुए, हम नहीं। किंतु ब्राह्मण राज, मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूँ कि उपस्थित ब्राह्मणों के होते हुए स्वयं खा लूं। पहले आप सब श्री गणेश कीजिए। लातों के भूत बातों से नहीं मांगते पंडित जी। आप कष्ट न कीजिए पंडित जी, मैं स्वयं ले लेता हूँ। पंडित जी घड़ा उठाइए।
पानी डालती शाम की कला नैनों में कजरवा कितना लग रहा भला हर बात मिलती है। तो फिर शिकायत किस बात की? दिल नहीं मिलता। क्यों? वो इन मद भरे नैनों में डूब गया है। मामा, मेरी भांजी पर इस तरह डोरी डालकर खानदानी दुश्मनी का बदला चुकाना चाहता कमीने। कल्लू, तुम अगर जवान होते तुम्हारी ईंट पर पत्थर से जवाब देता आज। सास उसको लाना जवाब देने के लिए। बिरादरी में उसका भारी नमक करवा दिया तो मेरा नाम ही कलू नहीं। चल दे तुरे। चल चल चल। ये नहीं है।
कलवा के बच्चे को पंचायत बुलाई है उसने, पंचों ने मुझे बुलाया है। मैं जरा उस कलवा के बच्चे का दिमाग ठीक करने जाता हूँ। तू किसी न किसी तरह ये जोड़ा ठाकुर की कोठी तक पहुंचा देना, सांझ से पहले पहुंचना चाहिए। पंचायत बुलाएगा नीच गली का। क्या बात है माँ, आप में कहाँ बाहर जा रही है? बड़ों की इच्छा के आगे हम गरीबों की क्या कीमत है? तेरे पिता पंचायत गए हैं, ये जोड़ी लेकर मैं हवेली जा रही हूँ। तू बीमार है माँ, ये मैं लेकर जाता हूँ। तेरी हालत कहीं आने जाने की है, तू रहने दे, मैं ले जाऊंगी। नहीं माँ, मैं तुझे इस अवस्था में नहीं जाने दूंगा। राजूता मुझे दे। आज मरू कल दूसरा दिन, तेरे जीवन से बढ़कर मुझे मेरी जिंदगी प्यारी नहीं है बेटा। लेकिन मुझे तुम दोनों का जीवन प्यारा है। ला जूता मुझे दो, मैं हवेली में पहुंचा देती हूँ। अब तुम दोनों यहाँ आराम करो। नहीं नहीं, तेरे मामा को पता चल गया तो वो क्या कर लेंगे? सच कहती हूँ चाची, तुम्हारे रूप में मेरी माँ नजर आती है। बिल्कुल ऐसी थी मेरी माँ। तुम्हारी सेवा करके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ। ला जूता मुझे दो, मैं चुटकियों में हवेली में पहुंचा देती हूँ। अब तुम ले जाओ, आराम करो। चलो चलो चलो, ले जाओ। अब बिल्कुल उठना नहीं, लेते रहना। ला जूता मुझे दो। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम भी आराम करो। चलो अब कैसे हो? अच्छा हूँ। घाव भर गया? हाँ सर का घाव तो भर गया, मगर दिल का बढ़ रहा है। तो तुम बड़े वो हो, चलो मैं चलती हूँ। घर पहुँचने में देर से देर हो गई तो? वो तो समझे, पंचायत से मामा को लौटने में अभी बहुत देर है, तब तक तो मैं घर पहुँच जाऊंगी। अपना तो आजकल ये चल रहा है कि मामा अंदर मैं अंदर, मामा बाहर और मैं बाहर। देखो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है। क्या खो गया है? कहाँ गए सुनहरे सपने जो तू मुझे दिखाया करता था? मालिक, जैनाथ की पिटाई तो जी भर कर हो चुकी है, अब रास्ते से कांटा साफ हो गया है। मालिक, मालिक, हाँ? वो आ गई। कौन? रूपा। कौन? रूपा। रूपा रूपा, अब क्या किया जाए? मैं चाहता हूं मालिक अब आप ही संभालिए, देखिए बचकर जाने ना पाए। अच्छा अच्छा तू जा, देख कोई अंदर ना ले पाए।
समझा? समझ गया, समझदार हो। मालिक, मालिक। कौन? मैं जूता लेके आई हूँ रघु चाचा के घर से। अच्छा अच्छा, वहां रख दो। मैं अंदर, मैं तो। अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि क्या होई। आओ आओ, रख दो अंदर, डरो नहीं, आगे बढ़ो। आ जाओ अंदर। हाँ हाँ, शौक से आता। ये दरवाजा क्यों आपने बंद कर दिया? इसलिए कि ये दुनिया दो प्रेमियों को आपस में मिलते हुए नहीं देख सकती। आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। अपने होठों से इस मुंह को बंद कर दो, फिर कभी कोई शब्द इससे बाहर नहीं निकलेगा। छोड़ो, आगे बढ़े तो ठीक ना होगा ठाकुर। नादान न बनो। मैं तुम्हें अपनी ठुकराई बनाना चाहता हूँ। सारी दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाएगी। मैं अपना सर झुकाकर दूसरों के सर अपने सामने झुके हुए नहीं देख सकती। मुझे जाने दो। लेकिन तुम्हें आजाद करके मैं तड़पना नहीं चाहता। छोड़ दो मुझे। मैं मर सकती हूँ लेकिन लूट नहीं सकती। छोड़ दो। मैं लूटना नहीं, लूटना चाहता हूँ। आजाद। अभी भी वक्त है, मान जा, नहीं तो तेरे हाथ पर कोई दो बूंद आंसू बहाने भी नहीं आएगा। ये ब्रह्म मधुर, तो तुमसे बड़ा कोई और है जो तुम्हें कुत्ते की मौत मार सकते हैं। तो बुला उसे जो मुझे कुत्ते की मौत मार सकता। देखूं कैसे तुझे मेरी बाहों में आने से रोकता। जी हाँ, मैं उस दिन मैं गले मिला तो मुझे गाय का गोबर खिलाया गया। अब आप किस चीज का गोबर खाना पसंद करेंगे पिताजी? विद्यासागर, जरा इसे देखिए, खुद को देखिए। मरने के दिन नजदीक आ गए लेकिन वासना नहीं। ये न भूल कि मैं तेरा बाप हूँ। यही तो दुख है कि आप मेरे बाप हैं। आज शर्म से मेरी गर्दन झुकी जा रही है पिताजी। तू बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अभी मैं आगे बढ़ा नहीं, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूंगा आप तेरे सामने से हट जाइए। पिताजी क्या कहा? मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। क्या आपके हाथ से तो बहुत खून बह रहा है। बहने दो, ये अपवित्र खून बह जाए तो अच्छा। नहीं नहीं, अबला की लाज बचाने के लिए बहने वाला खून अपवित्र नहीं होता। ये पट्टी पट्टी नहीं, राखी जो एक बहन अपने भाई को बांध रही है। मैं आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। भैया बोले, अपना ही घड़ा फूटा हो तो पानी को क्या दोष दूं। आज भरी पंचायत में मेरी पगड़ी उछाल दी तेरी लाडली के करतूतों ने। मना करने पर भी तूने इसे बाहर से क्यों जाने दिया? फिर क्या करती, उसके पांव में जंजीर डाल देती। रोक तो सकती थी, गई होगी उसी सपोले से मिलने। ओहो, तुम तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। ले दे के वो ही रह गया है, कहीं और भी तो जा सकती है। कौन सी ऐसी समाधि उसके बाप की यहाँ बनी है जहाँ फूल चढ़ाने गई होगी? आने दे उस कलमई को, सूरत बिगाड़ के न रख दू तो मेरा नाम कल्लू रहे। उल्टा सीधा बकेगी तो वो थप्पड़ मारूंगा कि भेजा बाहर निकल आएगा। काले की मरने, काले की बोल मरने। मरे तो मुझे 40 बरस हो गए हैं कल्ला, इसीलिए तो तुझे देखने के लिए मैं व्याकुल हूँ कल्ला। याद कर जब मैं तुझे गोदी में लेकर लोरिया गाकर कहती थी, कल्लू कलंदर बापू बंदर, कल्लू कलंदर बापू बंदर, कल्लू कलंदर बापू बंदर, कल्लू कलंदर बापू बंदर। क्या हो गया है इसे, कहीं भूतनी तो नहीं निपट गए? क्या कहा? मैं भूत हूँ, मैं भूतनी हूँ।
भूतनी नहीं, मैं तो तेरी दतिया सासू पतु हूँ, कल्लू कलंदर की दादी। तेरे आने से 10 साल पहले ही मैं राम राम सास हो चुकी थी। ये पागल हो गई। पागल? हाँ, मैं पागल। मैं पागल हूँ, तेरी मोहिनी सूरत देखने के लिए ही मैं पागल हो चुकी हूँ। आ, तू ले जा, मैं तुझे लोरिया गाकर सुलाती हूँ। कल्लू कलंदर, बापू बंदर, आ बेटा, आ बेटा, ना, नहीं नहीं घबरा नहीं, आ, ना। रूपा की मामी, मैं ओझाजी को बुला के लाता हूँ। नहीं, मैं अकेली डर के मारे मर जाऊंगी। नहीं, डर मत पतुहू, आ कलुआ, आ। तो क्या सचमुच तुम मेरी दादी हो? मैं तेरे बाप को स्वर्ग से बुलाकर लाती हूँ, उसी से पूछ लेना। हाँ, नहीं नहीं, पिताजी को कष्ट मत दो, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरी दादी हो। दादी, मैं भोर के समय चली जाऊंगी, अगर किसी से कहा सुनी की गर्दन दबा के अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ, मेरे बुरे दिन आए हैं, जो मैं किसी से कहूंगा नहीं, कहूंगा दादी नहीं, कहूंगा क्षमा कर दो मुझे। अरे मुंह क्या देख रही, पैटी। अच्छा, तुम नहीं, तुम ही दबाओ। अच्छा दादी, मैं ही दबाता हूँ, मैं ही दबाता हूँ दादी। ऊपर बैठ जा पतु। दादी, दादी माफ कर दे दादी। देख रहे हो, हरे भरे धरती को देखो। ए रूपा, ये पत्थर तूने मारा? मैं क्या पगली हूँ? चुलबुली तो है, अरे यहाँ क्या कर रही है? यहाँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ए, हाँ, ठीक ठीक बताना। ठहरो ठहरो, पहले ये तो बताओ, ये बनठन कर दुल्हा बनकर कहाँ जा रहे हो? दुल्हन को लाने। परदेश? ओह, अपनी दुल्हन को पहले भी कभी देखा है? अरे सैकड़ों बार। कैसी है वो? इंदर की परी जैसी है। अच्छा, किस गांव में रहती है? गांव? हाँ। गांव पलकों की छांव में, दिल के गांव में। नाम क्या है? नाम? रूपा। रूपा, ये मोर मुसुर की दाल। मालिक, बड़ा अच्छा मौका है, कहिए तो जयनाथ को हमेशा के लिए सुना दूं और रूपा को हवेली में उठा ले चलूं। बेवकूफ न बनो, मैंने तुम्हारी लाठी की करामात देख ली है, तुम मेरी अकल की करामात देखो। चलो। क्या है? आखिर आओगे कब? 10-15 दिन रास्ता देखना। हाँ। साल 2 साल में लौट ही आऊंगा। हाय तैया, साल 2 साल में? मुझसे तुम्हारी जुदाई की घड़ियां नहीं कटेंगी जयनाथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बावरी हो गई हो? क्यों? दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। उड़ाए करे, मैं तो तुम्हारी जोगनिया बन गई हूँ।
लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तेरे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे, तू है मोहन मेरा हो, तू है मोहन मैं तेरी मोहनिया, मैं तो बनी रे जो बनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जो बनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जो बनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जो बनिया। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? जिस हार को आप गले में पहनना चाहते थे उसी को आप अर्थी पर डालने के लिए धन दे रहे हैं? ये तो देवी के लिए पुजारी की तरफ से चढ़ावा है, चढ़ावा। शादी हो गई तो जयनाथ हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा, समझे ना? समझ गया मालिक। बंसी, मैं बाप, 7 दिन के अंदर रूपा को तेरी पत्नी बनकर आ जाना चाहिए। आप कितने दयालु हैं मालिक, सूखी घास को फिर से हरी कर रहे हैं। मगर कल्लू मान लेगा? सांप को दूध और लालची को दौलत बहुत भाती है, कल्लू को सोना देकर रूपा मांग ले। मुन्ना तक झोली भर ले भगवान, ऐसा समय जीवन में एक ही बार आता है। ये सब कहाँ से लाए हो? अगले जन्म में कोई पुण्य किया था उसका बदला लक्ष्मी मैया ने आज दे दिया। कहीं चोरी तो नहीं की? मैं चोरी क्या करता, चोर खुद आकर दे गया। चोर? कौन चोर? जो अपनी रूपा को चुराने आएगा दुल्हा बनकर, पहले के बाद इतना और देगा। बंसी, बंसी, बंसी के साथ रूपा का ब्याह करोगे? नहीं, मैं उस बूढ़े फुसक के हाथों गरीब को नहीं बिकने दूंगी। घर में आई हुई लक्ष्मी को टकराया तो लात मार के बाहर करूंगा। रूपा का ब्याह बंसी के साथ होगा। मैं ब्याह नहीं करूंगी। ब्याह तू नहीं करेगी तो क्या तेरी मामी करेगी? क्या बकते हो, मैं खुद को नहीं बिकने दूंगी मामा। बेचने वाला बिकने वाले से नहीं पूछता। आज तक जो टुकड़े तूने तोड़े हैं उनका बदला तेरा बाप देगा। ब्याह के विरुद्ध कुछ कहा सुनी की तो खन के गाड़ दूंगा। क्या नहीं करे? क्या किया रूपा? मैं ब्याह नहीं करूंगी। रूपा रुक जा बेटी, तेरे बड़े कदम तेरे मामा को बदनामी के खाई में फेंक देंगे। अगर मैं पीछे हटी तो मेरे अरमानों की कली सदा के लिए मुरझा जाएगी और वो कभी फूल ना बन पाएगी। मन तो बालक के समान होता है बेटी, एक खिलौने के लिए रोता है, दूसरा उसे मिल जाए तो खुश हो जाता है। खिलौने बदले जा सकते, पति नहीं बदले जाते। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, जो होना था सो हो गया। तू अपने मामा की खुशी के लिए मान जा बेटी। मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ लेकिन बिक नहीं सकती। मैंने जो कुछ लिया अपने लिए नहीं लिया, तेरा ब्याह करने के लिए लिया। मेरा ब्याह हो चुका है, स्त्री जीवन में किसी को एक बार ही अपना बनाती है और जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिल चुका है। रूपा, वो तेरा नहीं बन सकता। बिरादरी के ख्याल से अब तक मैं तुझे समझाता रहा लेकिन तू बढ़ती जा रही है। अगर तू तेरी तरह ब्याह नहीं करेगी तो तेरी तरह करना पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं ब्याह नहीं करूंगी, चाहे मुझे जान से मार डालो। इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर इसकी इच्छा ना हो तो उसे अपनी मर्जी पे छोड़ दो। चुप रहो, ये सारी आग तेरी लगाई हुई है, अगर बीच में बोली तो इससे पहले तेरा गला घोट दूंगा। चल, फेरे फिर। मैं फेरे नहीं फिरूंगी। चुप नहीं लग, फेरे नहीं लगाएगी। आगे बढ़े तो ठीक ना होगा। तुमने मुझे नहीं मेरी बहन की अस्थि पर थप्पड़ मारा है, मरती बहन के सामने कसम खाई थी, इसे बेटी बनाकर पालूंगा
क्यों? तुमने अपना वचन पूरा कर लिया ना? मैं वचन को निभाने के लिए ही तुझे मान सम्मान के साथ बिताकर रहा था। मेरी बेटी होती तो मैं वही करता जो आज तेरे साथ कर रहा हूँ। इसीलिए भगवान ने तुम्हें कोई बेटी नहीं दी, नहीं तो उसे भी सोने चांदी के बदले किसी ऐसे के हाथ भेज देते। कल्लू, ये मेरा अपमान हो रहा है। अपमान? अपमान तो इंसान का हो नहीं। हिम्मत है तो हाथ लगा कर देखो। तुमने औरत के आंखों में आंसू देखे होंगे, चिंगारी नहीं। तुमने औरत को अबला के रूप में देखा होगा, चंडी बनते हुए नहीं। हट जाओ मेरे सामने से। तुम सबको मर के एक दिन भगवान को मुंह दिखाना है। न्याय करो। अगर तुम्हारी बेटी होती क्या तुम उसे इसी तरह जीते जी मर जाने देते? तो ये मेरी नहीं हर उस अवागन की पुकार है जिसे भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया जाता है, जिसे सुहाग के फूल मुरझाने से पहले विधवा के कपड़े पहना दिए जाते हैं। बोलो ऐसा क्यों होता है? किस लिए होता है? जवाब दो। अब ऐसा नहीं होगा, ये ब्याह नहीं होगा। कल्लू, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ब्याह रोके। मैं रोकूंगा विवाह। मेरे जीते जी रूपा को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। जुदा कर रहा था। ये मेरा मामा नहीं, दुश्मन है। दुश्मन मैं नहीं, ये है। हट जाओ रास्ते से, नहीं तो दोनों को जान से मार डालूंगा। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की तो तिनके की तरह उड़ा के रख दूंगा। भाइयों, क्या देखते हो? मार डालो इस नीच को। तुम सब जयनाथ को मार से पहले तुम रात के ढेर बन जाओगे। कल्लू, रूपा ही जयनाथ की पत्नी बनेगी। हमारा विवाह करा, इन्हें तुम्हारे विवाह के लिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए ये विवाह नहीं कराएंगे। हाँ, चलो नहीं कराएंगे तो भगवान कराएंगे। और रूपा, हे भगवान, तुम्ही भी बंधु हो, तुम्ही करतार हो। तुम्हारे सामने आज मैं रूपा को अपनी मालिक, मालिक, इसने भरी बिरादरी में मेरे मुंह पर काली लगा दी है। मालिक, मुझे मालूम है ये दुष्ट लग मंडप से इसे जबरदस्ती भगा लाया। आज तक रूपा जबरदस्ती ना किसी की बली है और न बनेगी ठाकुर। आज मैं भगवान के सामने जयनाथ की पत्नी बनूंगी। इस मंदिर में ऐसा धर्म नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। हम भगवान के दर्शन करके ही रहेंगे। और रूपा, जयनाथ, जयनाथ आगे न बढ़। मैं कहता हूं कि आगे न बढ़। जयनाथ आगे बढ़ा तो जान समाप्त दिया जाएगा। ठाकुर, समय बदल गया लेकिन आप लोगों के बर्ताव नहीं बदले। क्या अपराध किया है? ये नीच कलुआ की भांजी को लग्न मंडप से भगा लाया है। लग्न मंडप में विवाह नहीं, व्यापार हो रहा था, जहां लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी को बेचा जा रहा था। लक्ष्मी को बेचा नहीं जाता ठाकुर, पूजा जाता है। विवाह तो अब होगा इस मंदिर में, भगवान के सामने मैं कराऊंगा। आप देखते क्या हो, बिछा दो इनकी लाशें। रुक जाओ पानन, आप मानन रुक जाओ। मैं कहता हूं कि रुक जाओ पानन, रुक जाओ आप मानन, रुक जाओ आत्मानंद, रुक जाओ, रुक जाओ आत्मानंद, मैं कहता हूँ रुक जाओ। बाबा, मालिक, किस अखिल मालिक समझे बड़े ठाकुर, चलो आइए पुकारी जी। बाबा, मेरे कारण आप सब ये अत्याचार हुआ। अत्याचार और अधर्म का विरोध करते हुए जीने और मरने में जीवन की सार्थकता है। मुझे ऐसे जीवन और मरण दोनों से घृणा है। जिस भगवान की आप जीवन भर उपासना करते रहे, पूजा करते रहे, उसी भगवान के सामने आपका लहू बहाया गया और वो खामोश रहा। मुझे ऐसे भगवान में विश्वास नहीं, बाबा विश्वास नहीं। बेटा,
विश्वास और सच्ची श्रद्धा की आंखों से देखो, भगवान तुम्हें कण-कण में दिखाई देगा। जो इस मंदिर में दिखाई नहीं देता वो कण-कण में क्या दिखाई देगा? वो भी दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। प्रभु प्रभु प्रभु, इस संसार की हर चीज मिट सकती है, लेकिन प्रभु तुम्हारे सत्य की ज्योत कभी नहीं बुझ सकती। बेटा, जिस काम को अधूरा छोड़कर मैं जा रहा हूं उसे तुम पूरा करना, सबको कहना बड़ा छोटा कोई नहीं है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, जो उसे चाहेगा वही उसका प्यारा होगा। संतों ने कहा है, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। प्रभु बाबा जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि का हो। मत रो मां, न जाओ, न जाओ बेटा, न जाओ। बुढ़िया मां और दुल्हन को रोती हुई छोड़कर न जाओ। ये सब झूठी मोह माया है बापू, मुझे जाना ही होगा। गुरु के महामंत्र की शक्ति को देखने के लिए मुझे जाना ही होगा। जात पात पूछे ना को, हरि को भजे सो हरि का। बेटा, लेकिन हरि भजन तो घर में भी हो सकता है बेटा, तो चला जाएगा तो बूढ़े माँ बाप की लाठी टूट जाएगी, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएगी। यहाँ के हर बच्चे जैनात समझो माँ, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। ये बड़ी बातें मेरी छोटी समझ में नहीं आती बेटा, मेरी तो छाती फटी जा रही है। आज बेटा ही माँ की ममता को ठुकरा कर जा रहा है। हमने तुम्हें जन्म दिया, मन्नतें मनाई है, देवी देवताओं के चरणों में माथा टेका, किस लिए? इसलिए कि बुढ़ापे में जवान बेटे का सहारा मिले। लेकिन यह इच्छा एक छलने वाला सपना है बापू, बूढ़े माँ बाप के सामने जवान बेटा मर जाता है, सुहाग रात से पहले दुल्हन का सुहाग गुजर जाता है, शादी का शामियाना स्मशान की छतरी बन जाता है, फिर भी जाने वाले के साथ कोई नहीं, मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता बापू, कोई नहीं मरता। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे बेटा। नहीं नहीं, इतने निष्ठुर न बनो बेटा, अपनी माँ के लिए रुक जाओ, रुक जाओ। पहाड़ों का पानी पत्थरों से टकरा कर भी सागर की तरफ जाने से नहीं रुकता माँ, फिर मैं कैसे रुक सकता हूँ? और तुम्हारा कहना तो गुरु के इशारे पर हरि को पाने जा रहा है। तू चला जाएगा तो हमारे लिए संसार में अंधकार के सिवा और क्या रह जाएगा बेटा? अंधकार को इतना तुच्छ न समझो बापू, अंधकार में चांद और सितारे चमकते हैं, दीपक और जुगनू मुस्कुराते हैं, अंधकार में भगवान श्री कृष्ण जैसे महान योगी जन्म लेते हैं। न जाओ बेटा, न जाओ, जाने दीजिए, ये हमारे ही नहीं
के हैं। इनकी साधना का अमृत पीकर संसार का कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। एक विनती है स्वामी। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, मगर मेरी यही इच्छा है कि तुम यहां रहकर सास ससुर की सेवा करो। तुम्हारी और मेरी साधना के रूप दो हो सकते हैं, मगर लक्ष्य एक ही होना चाहिए। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि का हो। रत भूमि महा तीरथ इसके प्राण, तीरथ इसके प्राण। हे बद्री नारायण धाम जहाँ विष्णु भगवान विराजे है, रे विष्णु भगवान विराजे है। हे तीर्थ पावन जन मन भावन, हे तीर्थ पावन जन मन भावन, निस दिन नौबत बाजे रे भैया, निस दिन नौबत बाजे। हे भूमि महान है, तीर्थ इसके प्राण है। धाम रामेश्वर बैठे जहां, धाम रामेश्वर बैठे जहां, शिव शंकर ध्यान लगाए। लागे जहाँ भगतों का मेला, लागे जहाँ भगतों का मेला, मन वांछित पल पाए। सारे गप साद गरे साद साद पग पगरे सा। जगत के नाथ जहां, ओ, तीनों जगत के नाथ जहां है, सो जगन्नाथ की झांकी। सांवरी सूरत मोहनी मूरत, ननन की छवि बाकी, ननन की छवि बाकी, ओ, 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 ननन की छवि बाकी। चार धाम की अनुपम महिमा, वेद पुराण भी गाए, जुग जुग का अज्ञानी प्राणी महाज्ञानी बन जाए। इस धरती को प्रणाम है, जहाँ संतों का विश्राम है, चारों दिशा में चौमुख दीप से इसके चारों धाम है। भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है। Thank you.
वैसे तो तुम्हारी हमारी हर बात मिलती है। तो फिर शिकायत किस बात की? दिल नहीं मिलता। क्यों? रूपा, 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 अब भी तुम उसके ख्याल में डूबी हुई हो, लेकिन जयनाथ वापस नहीं आएगा। रूपा, तुम्हारी अनमोल जिंदगी रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए, हंसने के लिए। रूपा, रूपा, मेरी हवेली और मन का दरवाजा अभी तुम्हारे लिए खुला है, मान जाओ। छोटे ठाकुर, ठाकुर बाकुर नहीं, भैया बोल। भैया। अरे बहना, क्या जमाना आ गया है। पहले बुढ़े लोग बच्चों को रास्ता दिखाते थे, आजकल बच्चे बुढ़ों को रास्ता दिखा रहा है। वो देख, मैं चले जा रहा रास्ता बुढ़ा। तुमने फिर एक बार मेरी रक्षा की है भैया। अरे बावली, मैं जीवन भर तेरी रक्षा करता रहूंगा, वचन। देख, मेरा बाप तुझ पे बुरी नजर रखता है ना, मैं अपने बाप पे कड़ी नजर रखता हूँ। और मैं आप पर बड़ी नजर रखती हूँ। मैंने कहा भाभी कहो, भाभी। भाभी क्यों जी? तुमने पिताजी के घोड़े को इतने जोर से लाठी क्यों मारी? कहीं घबराहट में वो गिर जाते तो? अगर जाते तो अच्छी बात है। मैं अभी पिताजी को तुम्हारे नेक इरादे बताती हूँ। क्या कह रही है देवी, क्या कह रही है? मैं तेरे पांव छूता हूँ। दीदी के सामने? तो क्या हुआ दीदी, वो तो अपनी है। अच्छा, ये बात मरनी मरनी। जब जाते हो आसमान में फेंके हुए पत्थर की तरह वापस आ जाते हो। न तुझे रूपा मिलती है, न मेरे दिल को चैन मिलता है। अगर आज रात रूपा को उसके घर से न उठा लाया तो जिंदगी भर आपको मुंह दिखाऊंगा मालिक। बेवकूफ कहीं का, अबे उसके घर जाने की क्या जरूरत है? सुनो, बस्ती के बाहर पुराने मंदिर का खंडहर है ना? हाँ हाँ, जानते हो ना? हाँ। रूपा वहाँ रोज उस उल्लू के पट्ठे जैनाथ के याद में आंसू बहाती है, समझे? समझ गया, समझ गया मालिक। अब उसके आंसू आप ही के हाथ पहुंचेंगे। बादल से बरसने का अधिकार छीनना चाहती थी, तुम प्यासे से झरने को दूर ले जाना चाहती थी, तुम मतवाले को मधुशाला से अलग रखना चाहती थी, लेकिन मेरी मचलती हुई आरज़ुओं ने किनारा ढूंढ लिया। बड़े कदम पीछे क्यों हटके? इसलिए कि मैं आपकी बहू हूँ, आपके कुल की मर्यादा हूँ। लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि रूपा भी किसी की बेटी है, बीवी है, बहू है? तुम यहाँ से चली जाओ। हाथ आए हुए शिकार को इस तरह नहीं छोड़ा जाता पिताजी। तुम? जी हाँ, मैं आपकी सहायता के लिए पर्दे के पीछे खड़ा हुआ था। अगर आप मेनका को देख कर पीछे हटे तो मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे आ जाऊं। विद्यासागर! पिताजी, आप में बस यही ऐब है, एक बार अड़ जाते हैं तो अपने जगह से हटने का नाम नहीं लेते। चुप रह! इसमें बुराई क्या है पिताजी? केवल नाम से नहीं, सूरत से भी मेनका है। चंद्रमुखी है, मृगनेनी है, गजगामिनी है, और फिर एक बहुत बड़े घर की बेटी और बहू। ज्यादा बकवास करेगा तो जबान खींच लूंगा। चोरी और ऊपर से सीना चोरी, मासूम औरतों की लाज लूटते हैं और ऊपर से खाते हो। मेनका, देवता समान ससुर के सामने जबान चलाती हो? इनके पांव छूओ और इनसे विनती करो, इस जन्म में मिले हो फिर किसी जन्म में किसी भी रूप में ना मिलना। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं, नर्क से ही सदा के लिए निकल के जा।
देखो। जयनाथ। हाँ मालिक। मालिक के पत्ते भगवान को फंस करने चला है। रुक, ठीक, पापी। क्यों खा लिया? तेरे घर बेटा। हरी। नीचों को पहचानने के लिए भगवान ने हमारी आंखों में रोशनी दी। तू हमें धोखा नहीं दे सकता नी। अच्छा ले तुझे ही सही। देखो हटा दो इन दुष्टों को। जयनाथ के छूने से रस नहीं चल रहा है। भगवान हम सब पर रूठ गए हैं। भगवान रूठ गए हैं जयनाथ छूते के छूने से रस आगे नहीं बढ़ रहा है। ये पापी है। हेलो इसे ना मारो। इस चीज के छूने से रस आगे नहीं बढ़ रहा। भगवान हमसे रूठ गए हैं। अवश्य भगवान रूठ गए हैं। उसके भक्त पर अत्याचार जो हुआ है अब ये रथ भक्ति चला सकता है। कहो इससे की चलाकर दिखाए। मैं क्या रथ चलाऊंगा। सारे संसार का रथ चलाने वाला इसे चलाएगा। वो बड़ा दयालु है। सच्चे हृदय से उसे पुकारो वो दौड़ा चलाएगा। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। रात को ही रात पर भात को पर भात शाम ही को शाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ओ बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। गजब का ये जहान है। बिन खंबे का मकान है। गजब का ये जहान है। बिन खंबे का मकान है। जहां का एक एक कनस का गुलाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके। इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं। एक पत्ता भी हिले नहीं।
एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। समदर्शी कहलाने वाले पिता का सर झुकता है, अगर मेरे छूने से जो भगवान का रथ रुकता है, संसार के रथ को चलाने वाला हमको छले नहीं, वो अछूत हमको समझे तो रथ ये चले नहीं, वो अछूत हमको समझे तो रथ ये चले नहीं, वो अछूत हमको समझे तो रथ ये चले नहीं। प्रभु, इस कलयुग में जो न हो थोड़ा है, माया जाल से रथ क्या चलाया, सारे अछूत उस नीच को भगत जयनाथ कहने लगे। अरे तुम रथ की बात लिए बैठे हो, रोना तो इस बात का है कि उस नीच ने वेद और गीता का उपदेश देना शुरू कर दिया। अगर यही हालत रही तो एक दिन हम ऊंची जाति वालों को उन नीचों का काम करना, ऐसा कभी नहीं होगा। न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। क्या मतलब? मतलब जयनाथ की मौत। दोनों जलकर साफ हो गए। ओम स्वाहा स्वाहा। नदी ठाकुर की है, नदियाँ सबकी है। आओ भाइयों, आप आगे नहीं बढ़ सकते।
पिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता। सेवा ही वेद पुराण है वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। कुछ कीजिए, कैसा जुल्म भाइयों, कैसा जुल्म। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो। अरे किसने किया तुम लोगों पर ये जुल्म? जमींदार और उनके आदमियों ने, वे लोग हमें कुएं से पानी भी नहीं भरने दे रहे। ये देखो मटका तोड़ देता है और बर्तन उठा कर फेंक देता है। पानी, 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 मुझे पानी दो, प्यास से मेरा जी घबरा रहा है। पानी, हमारे बच्चे प्यास से तरस रहे, वे हमें गंगा जी से पानी नहीं भरने देते और कहते हैं कि गंगा जी कुमारी है। पर गंगा जी तो सबकी है। मुझे पानी दो। पानी, पानी, पानी। मन चंगा तो कठोती में गंगा, ले बेटे पी 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 पी। गंगा तो कठौती में गंगा, क्या बकते हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मैं सच कहता हूँ मालिक, जयनाथ ने कठौती पानी से सारे गांव की प्यास बुझा दी, उस पर भी पानी कम नहीं हुआ।
जान पड़ता था कि गंगा मैया उस कठौती में आ गई है। नहीं, ये सब माया जाल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। प्रभु, यही है वो नीच जो धर्म का सर्वनाश कर रहा है, यही है वो घमंडी जो गंदे नाले को सागर के समान बनाना चाहता है। जानते हो तुम्हें यहाँ इस तरह बंदी बनाकर क्यों लाया गया है? मैं दासों का दास कारण जानकर क्या करूंगा राजन, मैं तो लाने वालों का आभारी हूं, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। वाह वाह वाह, होठों से तो अमृत टपकता है पर मन में विष भरा है महाराज, और यही विष ये समाज को पिला रहा है महाराज। राजगुरु, मैंने विष पिलाना नहीं, अमृत पिलाना सीखा है। मैं तो सबको हाथ जोड़कर यही कहता हूं, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सुहरि का हो। देखा महाराज, ये नीच भगवान मनु के बनाए हुए पवित्र सिद्धांतों को तोड़ना चाहता है। ऊंच नीच का भेदभाव तो भगवान ने बनाए हैं अपराधी, सत्य असत्य से कभी गले नहीं मिल सकता। फिर मनुष्य भगवान को कैसे पा लेता है राजन? मनुष्य असत्य है, भगवान सत्य है। गिरधर गोपाल ने कहा है, मुझसे प्रेम करो, मुझे चाहो, मैं तुम्हारा सखा हूं, मित्र हूं, प्रेम का सागर। महाराज, देखा इसका साहस, ये शूद्र आपको गीता रहस्य सिखा रहा है, परंतु ये बताना भूल गया कि भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन से ये सब कहा था, इस जैसे नीच से नहीं। पिता के लिए सारे बालक एक समान होते हैं राजगुरु, ऊंच नीच हम समझते हैं, भगवान नहीं समझते। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, समाज में रहकर समाज के बनाए हुए सिद्धांतों को मानना ही पड़ेगा, न मानने वाले को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजन, अगर भगवान से प्रेम करना पाप है, उसकी आराधना पाप है, तो मैं बहुत बड़ा पापी हूं, आप जिस प्रकार का चाहे मुझे दंड दे सकते। हम क्षमा करना भी जानते हैं, अगर तुम धरती को आकाश से मिलाने का सपना देखना छोड़ दो, अगर तुम जनता के बीच में खड़े होकर यह कह दो कि तुम नाम और कीर्ति के लिए धर्म फैला रहे थे और माया जाल को चमत्कार का रूप देकर जनता को अधर्मी बना रहे थे, तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राजन, अगर मेरे एक हाथ पर सत्ता और दूसरे पर वैभव रख दिया जाए और मुझसे कहा जाए कि मैं गुरुवाणी कहना छोड़ दूं, तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। गुरुवाणी मेरे रोम रोम में बस चुकी है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। महाराज, इस नीच ने आपकी बात न मानकर हमारे साथ आपका भी अपमान किया है। ये विद्रोही है, इसकी सजा मौत है। महाराज, इसके बोझ से धरती को हल्का कीजिए, कल सवेरे इसका सर काट दिया जाए। जात पात पूछे ना को, हरि को भजे सो हरि का हो। अरे वाह, क्या फेंका है मेरे बेटे ने। अच्छा, अब चलें? नहीं, मैं और खेलूंगा, मैं गेंदा लाता हूँ। दासी ले आएगी? नहीं, मैं लाऊंगा। जीवन की कठिन राहों में तुमने मेरा हंसते हुए साथ दिया है देवी, आज अंतिम यात्रा में आंसू न बहाओ। जाने वाले को मुस्कुराकर विदा किया जाता है। मुस्कुराहट तो तुम अपने साथ लिए जा रहे हो स्वामी, मुझे भगवान के नसीब में अब तो आंसू ही रह गए हैं। इन आंसुओं को पलकों में रोक लो देवी, ये मन के अंधकार को धो देंगे, फिर तुम्हें जिंदगी और मौत का फर्क मालूम हो जाएगा। जिंदगी जुदाई है जो आत्मा को परमात्मा से जुदा रखती है, और मौत मिलन है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। मैं अपने मधुसूदन के पास जा रहा हूं स्वामी, जो प्रेम के अथाह सागर है, मुझसे नहीं
उनसे प्रेम करो देवी, उन्हीं में सब कुछ है। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि का हो। धीरज रखो बहन, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, मेरा चिराग बुझ रहा है, मेरी दुनिया लुट रही है, मेरी आरज़ूएं सिसक सिसक का दम तोड़ रही है, और तुम लोग चुप खड़े हो। जिसके रोने से सारा महल व्याकुल हो जाता था, जिसकी एक खुशी पर तुम लोग अपना जीवन निछावर करने के लिए तैयार रहते थे, आज मृत्यु शैया पर लेटा है, तुम लोग उसे निंद्रा से उठा भी नहीं सकते। वैद्यराज, खजाना ले लीजिए, महल ले लीजिए, और चाहे तो मेरा जीवन भी ले लीजिए, लेकिन मेरे लाल के मुंह से मां कहलवा दीजिए। जान देने से जान बच सकती हो तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ महारानी। तो क्या ये मासूम कली खिलने से पहले ही मुरझा जाएगी? माँ को कंधा देने से पहले ही बेटा चला जाएगा? क्या आप सबके होते हुए हमारे कुल का नाम मिट जाएगा? हम मजबूर है महारानी, इन्हें मामूली सांप ने नहीं नागराज ने काटा, उसके काटे हुए को दवा नहीं किसी योगी पुरुष की दुआ ही बचा सकती। योगी पुरुष दुआ? योगी पुरुष? हरि गोविंद, हरि गोविंद, हरि गोविंद। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। ये आपने क्या किया? आपकी जगह यहाँ नहीं, हमारी जगह आपके चरणों में महारानी। काशी की महारानी नहीं, एक माँ झोली फैलाए अपने बेटे का जीवन मांगने आई है। हमारी डूबती नैया को पार लगा दीजिए, राजकुमार को डस लिया है, उसे बचा लीजिए योगीराज। प्राण देने वाला और प्राण लेने वाला तो भगवान है महारानी। खाली हाथ न लौटाइए, नहीं तो ममता का गलेजा फट जाएगा, दुखियारी की गोद सूनी हो जाएगी, मुझे माँ कहने वाला कोई ना रहेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता माता। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम स्त्री हो, तुम ही मेरे दिल की पुकार सुन सकती हो। मेरे नैनू की ज्योति खो गई है, उसे वापस दिलवा दो, उसे वापस। स्वामी, प्रभु अपने भक्त की बात जरूर सुनेंगे। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। इनके जीवन में जो तूफान आया है उसे शांत कर दो, एक टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ दो। स्वामी, रूपा, तुम मुझे वो काम करने के लिए कह रही हो जिसका अधिकार केवल भगवान को है। मैं विनती कर सकता हूँ, भीख मांग सकता हूँ रानी माँ, दान देना उनका काम है। पधारिए। विष्णु को सैया पे सुलाने वाले, हे शंकर के गले को सजाने वाले, नाग देवता कोमल कोमल अंग तिहारा, श्याम रंग तोरा लागे प्यारा, झिलमिल झिलमिल चाल तिहारी।
झिलमिल झिलमिल चाल तिहारी, जैसे जमुना जल की धारा। हे झूमते हजार फनों वाले, हे शीश पे धरती को उठाने वाले, नाग देवता त्राही मां पाही मां। सोए बालक रोए माता, आ सोए बालक रोए माता, ये कैसा अन्याय विधाता। ये बालक है तुम पालक हो, ये बालक है तुम पालक हो, प्राण दान दो जीवन दाता। हे विष अमृत को पहचाने वाले, हे भक्तों की लाज बचाने वाले, नाग देवता त्राही मां पाही मां। नाग देवता आ, नाग देवता आ, नाग देवता। सर सर अपनी मस्त चाल पे आवो, डम 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 रू की ताल पे आवो, डम 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 रू की ताल पे आवो। बजे बीन तुम फन निकाल के आवो, आके इस बालक के प्राण बचावो, आवो इसे जगावो, इसके प्राण बचावो। नाग देवता त्राही मां, नाग देवता पाही मां, त्राही मां पाही है। वो माता पिता जिन्होंने तुम जैसे महान सपूत को जन्म दिया, तुमने आज भेदभाव का पर्दा हमारी आंखों से हटा दिया। जीवन देकर भी हम तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं चुका सके। हमारी समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता हम किस प्रकार तुम्हारा सत्कार करें। बोलो भगत, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए भगत। माँ के आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है राजन, और वो आशीर्वाद मुझे बिन मांगे रानी माँ से मिल चुका है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं भगत राज, नहीं, हम तुम्हें अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। हमारा दिल न तोड़ो भगत राज, हमारे लिए मांगो, कुछ तो मांगो भगत राज, कुछ तो मांगो। तो फिर राजन मुझे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। जमीन का छोटा सा टुकड़ा, वो भी छोटा सा, जमीन
जमीन का छोटा सा टुकड़ा? हाँ राजन, इस छोटे से टुकड़े पर मैं अपने श्याम का मंदिर बनवाऊंगा, जहाँ सब बिना भेदभाव के भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने आए। सारे राज में जहाँ जिस जगह चाहो मंदिर बनवा सकते हो भगत राज। फिर मुझे आज्ञा दीजिए राजन। जात पात पूछे ना को, हरि को भजे सो हरि का हो। हम शतरंज के पिटे हुए मोहरे, जीवन की हर बाजी में वो हमें मात देता आ रहा है। आखिरी चाल अभी बाकी है मालिक, सबका बदला इकट्ठा लिया जा सकता है। वो कैसे? धर्म का सहारा। आसपास के गांव में ऊंची जात वालों को धर्म की रक्षा के लिए भड़काएं। धर्म के नाम पर आज भी कई आदमी कट मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छे, तो जाओ पंडितों से मिलो, उनसे कहो कि जाकर सबको भड़काए कि कल शूद्र लोग मंदिर में मूर्ति स्थापित न कर सके। अगर उन लोगों ने मूर्ति स्थापित कर दिया तो धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। समझे? समझ गया मालिक, समझ गया। बंधुओं, धर्म पर संकट आया है, धर्म तुम्हारा बलिदान चाहता है। याद रखिए, आज अछूतों ने मूर्ति स्थापित कर ली तो कल वो तुम्हारी बराबरी का दावा करेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ऊंच लोग नीच बन जाएंगे और नीच लोग ऊंच बन जाएंगे। क्या आप ऐसे परिवर्तन के लिए तैयार हैं? तो प्रतिज्ञा कीजिए कि हम मूर्ति स्थापित नहीं होने देंगे। भाइयों, पांव की धूल माथे का चंदन बनना चाहती है। अछूतों ने हमें नीचा दिखाने के लिए नया मंदिर बनवाया है, हम उसमें कभी मूर्ति स्थापित होने नहीं देंगे, चाहे हमें खून की नदी क्यों न बहाना। भगवान साथ है तो इंसानों से क्यों डरते हो? ये नाक को नाप सकते हैं, पर्वत को उंगली पर उठा सकते हैं, हमको जीवन दे सकते हैं। इनके होते हुए हमें सत्य के मार्ग से कोई नहीं रोक सकता। बोलो बोलो, इतने जोर से बोलो कि धरती की छाती फट जाए। मैं कहता हूँ वापस चले जाओ, चले जाओ। तुम कौन होते हो हमें कहने वाले? हम तुम्हारी हवेली में नहीं भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। बकवास बंद कर। ये ठीक कह रही है। तू चुप रह, वो धर्मी हो चुका है। आप मुझ में अपनी सूरत देख रहे हैं। बड़े आप हैं जयनाथ। मूर्ति वापस ले जाओ, नहीं तो चीटी की तरह से मसल दूंगा। सत्य और धर्म के लिए मैं हजार बार मर सकता हूँ। जिसने हमें जीवन दिया है उसके आगे सर झुकाने में कौन सा ऐसा अपराध है जिसे रोकने के लिए आप सब तलवारें लेकर आए हैं? अछूत मंदिर बनवाए, भगवान की मूर्ति स्थापित करें, इससे बढ़कर और कौन सा अपराध हो सकता है? हम लोग धर्म के लिए अपनी जान तक दे देंगे। मगर आप जान देने नहीं, जान लेने आए। बड़े ठाकुर, अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं तो हमें भी अपने मन की प्यास बुझाने दीजिए। भगवान एक के नहीं सबके। एक पिता के चार पुत्र होते हैं, चारों को बराबर का अधिकार होता है। आप ये क्यों चाहते हैं बड़े ठाकुर को एक का हक दूसरा छीन? जिसे तू हक कहता है उसे हम तेरा पागलपन समझते हैं। हाँ, जिस धर्म को तू फैलाना चाहता है उसे हम पाप समझते हैं। भाइयों, मूर्ति को सागर कुएं में डाल दो और जो कोई सामने आने की कोशिश करे उसका नाम निशान मिटा दो। ठहरो, भगवान की मूर्ति को हाथ लगाने से पहले तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। भगवान की मूर्ति की रक्षा के लिए हम सब अपने प्राण दे देंगे। नहीं, ठहरो ठहरो, तुम सब इसकी क्या रक्षा करोगे जो सारे संसार की रक्षा करता है? ये अमिट है, इन मिटने वालों के मिटाने से ये कभी नहीं मिट सकता। जाने दो इन शिलाओं को जो अपने शिल्पी को तोड़ देना चाहती है, जाने दो इन टिमटिमाते हुए चिरागों को जो तूफान को मिटा देना चाहते हैं। जाओ आगे बढ़ो, यूं क्या देखो, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे।
तुम सब कायर। शायद ये पुण्य मेरे भाग में लिखा है। जो अधर्म को मिटाना चाहता है मेरे साथ आए। चलो आगे बढ़ो। अभी काम खत्म नहीं हुआ बड़े ठाकुर। एक फूल को मसल कर तुम उसकी खुशबू नहीं मिटा सकते। इंसान को मारकर उसकी आत्मा को नहीं खत्म कर सकते। इस मंदिर की मूर्ति को पानी में फेंक कर तुम भगवान को नहीं मिटा सकते। वो कणकण में है, हर रूप में है, हर वेश में है। विश्वास न हो तो मन की आंखों से देखो। न ये मंदिर मेरा है, न तेरा है। मंदिर क्या है ए भोले इंसान, मन की आंख से देख बावरे, कण कण में भगवान। रूप रंग में, जल तरंग में, अंग अंग में उसी की छाया। यहाँ वहाँ वो कहाँ नहीं है, यहाँ वहाँ वो कहाँ नहीं, पहचान सके तो पहचान। चांदी का तो छत्र चढ़ाया, सोने का सिंहासन है, रेशम और मखमल से उसका खूब सजाया आसन है। लड्डू और पकवान खिलाते हरदम उस जगत्राता को, तुमने क्या अपने जैसा भूखा समझा उस दाता को। जो कुबेर का भरे खजाना, जो कुबेर का भरे खजाना, तू क्या देगा दान। जब हरे खेत में दर्शन करे किसान, एक एक दाने में चमके उसकी ज्योति महान। अन्न है उसका इष्ट देवता, अन्न है उसका इष्ट देवता, मंदिर है खलियान। अनेक हैं उसी एक में, वो अनेक में एक, सागर एक, अनेकों नदियां, लेकिन जल है एक। कुंभकार के घड़े अनेकों, कुंभकार के घड़े अनेकों, माटी एक ही जान। बनाने चला बंद कर मंदिर में इंसान, छुआछूत का भूत बन गया, बना नहीं भगवान। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये पंडित की भाषा। हरि को भजे सो हरि का होई, अर्ज करे आसा, अर्ज करे रासा, अर्ज करे रासा।
कृष्णचंद्र की। बोलो भगवान कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र की जी, भक्त जनाब। अरे जात पात की छह ना हो, हरि को भले सो हरि का हो।